तो आज का एजेंडा क्या है ना, आज का पार्ट क्या जो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, एक बार फटाफट उसको शेयर कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज टू अंडरस्टैंड कि एसएचएम में बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट क्या होता है, क्या बेसिक फंडा क्या एसएचएम का, ठीक है। एंड विल सॉल्व कपल ऑफ प्रॉब्लम्स, फिर कुलम्स लॉ। अभी हम लोगों ने इसमें वैक्यूम में देखा था बेसिकली, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो काइंड ऑफ एयर में देखा, जहां पर एयर का डेंसिटी बहुत कम है, ऑलमोस्ट परमिटिविटी का वैल्यू क्या है एयर का और वैक्यूम का, सेम है। तो बेसिकली वैक्यूम में देखा हम लोगों ने। वी नीड टू ऑल्सो चेक कि अगर मीडियम में अगर सेम सिस्टम होगा, दो चार्ज अगर हम लोग मीडियम में डालेंगे तो फिर क्या होने वाला है, ठीक है। और अगर इससे टाइम हम लोगों का बच गया ना, देन विल डिस्कस कुछ फॉर्मेलिटीज जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, वो हम लोग देखेंगे। सो लेट मी बिगिन विथ दिस क्वेश्चन, उसमें पहले एस एच एम का हम लोग देखते हैं क्या है। ओके, सो एवरीवन हुवर हैज जॉइंड जस्ट कंसंट्रेट हियर। तो देखो क्या है, एस एच एम का फंडा क्या है ना, आपका बहुत सिंपल होता है, ठीक है। उसमें बेसिकली आप क्या करते हो, आपका एक मेन पोजीशन होता है, ठीक है, ये मान लो मेन पोजीशन है, ठीक है, ये आपका मेन पोजीशन होता है। और यहां पर क्या, आपके पास एक पार्टिकल होता है और पार्टिकल मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट कर रहा होता है, ठीक है। और उस ऑसिलेशन का लॉजिक ये होता है कि जब पार्टिकल मेन पोजीशन से डिस्टेंस एक्स पर है, तो उस पे फोर्स जो लग रहा होता है, वो फोर्स उस पार्टिकल को ट्राइज टू ब्रिंग इट बैक टू मेन पोजीशन, ठीक है ना। तो वो फोर्स क्या करेगा, उस पार्टिकल को खींच कर वापस उसके मेन पोजीशन पर लेकर जाने का ट्राई करेगा। एंड उस फोर्स का वैल्यू, इफ इट्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, ऑसिलेशन बहुत तरह के होते हैं, बट अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो उसका क्राइटेरिया ये कि फोर्स का जो वैल्यू है, इट मस्ट बी सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। मतलब बेसिकली वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का होगा ओरिजिन से, आई मीन मेन पोजिशन से, मेन पोजिशन से जितना ज्यादा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको। एंड माइनस साइन का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन अपोजिट है ना, तो आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन इट, है ना। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस हम लोग पहले देख चुके हैं। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का कंपेयर टू मेन पोजिशन, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स डेवलप होगा, ठीक है। ये चीज आपको दिमाग से। अब हम लोग अपना केस वन कर रहे हैं, दो अलग अलग केसेस एक्चुअली। केस वन में पहले देखते हैं, केस वन में हमारे पास क्या, वी हैव टू पॉजिटिव चार्जेस, है ना। थोड़ा आई थिंक स्पेस कम पड़ जाएगा, बट ठीक है, लेट्स ट्राई। सो ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू हो गया और एक दूसरा चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैंने क्यू दे दिया, ठीक है। सो वी हैव टू पॉजिटिव क्यू चार्जेस, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इन लोगों ने 2a दे रखा है, ठीक है। 2a डिस्टेंस जो है, देखो वो ए बी डिस्टेंस लिख सकते थे, दे कुड हैव रिटन इट, व्हाट्स द बिग डील, ए लिख सकता हूँ मैं, एक्स लिख सकता हूँ, वाई लिख, आई कैन नॉट, आई कैन राइट एनीथिंग आई वॉन्ट ना। लेकिन उन लोगों ने 2a इसलिए लिया है कि कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी पड़ता है, और ये चीज क्या है, बहुत कॉमन हो जाएगा जब आप डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम लोग डायपोल में जाएंगे, तो वहां पर देखेंगे कि 2a का कॉन्सेप्ट जो है बहुत कॉमन, ठीक है। तो टू टाइम्स ए जो है आपका डिस्टेंस हो गया, एंड सेंटर जो है पार्टिकल का, मेरा मेरा मतलब सेंटर जो है, मे बी ए डिस्टेंस पर, यहां से ए डिस्टेंस पे सेंटर बना लो आप एक, ठीक है। वहां पर क्या, आपने एक चार्ज रखा है और उस चार्ज का जो वैल्यू है क्वेश्चन में गिवेन है स्मॉल क्यू, ठीक है। नाउ फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट, हालांकि क्वेश्चन में मेंशन तो नहीं किया है, सो फर्स्ट थिंग वी नीड टू फिगर आउट, ना ना ना, वी डो वी कैन इजिली फिगर आउट। क्वेश्चन नंबर वन में एक्चुअली मेंशन किया, देयर मेंशन की चार्ज जो है ना वो पॉजिटिव है, ये देखो पॉजिटिव है ना, यहाँ पे लिख दिया उन लोगों ने पॉजिटिव चार्ज, दैट्स गुड। सो ये चार्ज क्या पॉजिटिव है ना, ये लोग तो पहले से पॉजिटिव चार्ज है ना, बीच वाला भी चार्ज क्या पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एस एच एम का प्रॉब्लम डील करने के लिए क्या होता है, आपको ये सोचना होता है कि अगर मैंने चार्ज को या फिर पार्टिकल को, जिसका भी एस एच एम आपको देखना है, अगर मैंने उसको थोड़ा सा उसके इक्विलिब्रियम पर, यहाँ पे देखो ये इक्विलिब्रियम है, कैसे इक्विलिब्रियम है, बिकॉज लेफ्ट वाला चार्ज जितना हार्ड पुश कर रहा होगा सेंटर वाले चार्ज को राइटवर्ड डायरेक्शन में, उतना ही फोर्स से राइट साइड वाला जो कैपिटल क्यू चार्ज है वो लेफ्ट के डायरेक्शन फोर्स लगा। सो बेसिकली दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, नेट फोर्स यहाँ पर जीरो है ना, जो इक्विलिब्रियम पोजिशन होता है ना मेन पोजिशन, वहां पर नेट फोर्स जो है आपके पास वो जीरो आता है, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है, एस एच एम का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप इक्विलिब्रियम से यानी जो मेन पोजीशन पे पार्टिकल है वहां से आप थोड़ा सा उसको हटा दो, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, मान लो मैं डिस्प्लेस करके यहां ले आया, ठीक है।
कितने कितने लेंथ से मैंने डिस्प्लेस किया, एक्स लेंथ से डिस्प्लेस किया, ठीक है, बिकॉज आई डिस्प्लेस इट बाय लेंथ एक्स, तो अब दोनों चार्जेस का डिस्टेंस जो है ना वो चेंज हो गया, कैसे, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है अब चार्ज और लेफ्ट वाले चार्ज के बीच का ना, मिडिल वाला चार्ज था हमारा और लेफ्ट वाले चार्ज का जो डिस्टेंस है नाउ इट्स ए प्लस एक्स, और राइट साइड में जो चार्ज आपका उसके साथ जो इसका डिस्टेंस आएगा वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, ठीक है, क्यों, बिकॉज आपने चार्ज स्मॉल क्यू को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है, उसको थोड़ा सा शिफ्ट किया आपने, शिफ्ट करने के बाद क्या है आप उसके ऊपर नेट फोर्स एनालाइज करते हो ना, तो मुझे ये बताओ कौन सा फोर्स बड़ा होगा, राइट वाला, राइट मोस्ट वाला जो चार्ज लगा रहा है फोर्स वो बड़ा आएगा या फिर लेफ्ट मोस्ट वाला जो चार्ज फोर्स लगा रहा है वो बड़ा आएगा, फटाफट बताओ कौन सा फोर्स बड़ा आएगा, राइट मोस्ट, राइट मोस्ट वाला है ना, राइट मोस्ट साइड में जो आपका चार्ज है उसका डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम होने पर फोर्स बड़ा आता है ना, तो राइट मोस्ट साइड वाला जो फोर्स लगाएगा स्मॉल क्यू पे वो एक्चुअली वैल्यू बड़ा होगा, और लेफ्ट मोस्ट साइड में जो चार्ज हमारे पास उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो थोड़ा छोटा आएगा, इसका मतलब फोर्स इक्वल नहीं रह गया ना, फोर्स में क्या हुआ बैलेंस जो था वो खत्म हो गया, इसको मैं एक राइट साइड में एक और डायग्राम बना लो सेपरेट डायग्राम, ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास अगर मैं पार्टिकल का नेमिंग कर देता हूँ उसको पार्टिकल नंबर वन बोल देता हूँ उसको पार्टिकल नंबर टू, तो पार्टिकल नंबर टू क्या बड़ा फोर्स लगाए, जैसे इतना बड़ा एरो बनाया ना, जनरली क्या होता है वेक्टर का जो एरो बनाते हैं उसका लेंथ एक तरह से ये सिग्निफाई करता है कि आपका मैग्नीट्यूड वेक्टर का कितना बड़ा है, और पार्टिकल नंबर वन जो मिडिल वाले पे फोर्स लगाएगा राइट वर्ड डायरेक्शन वो थोड़ा छोटा आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा एरो बनाया, ठीक है, लेट मी राइट इट एज एफ टू और इसको मैंने लिख दिया एफ वन, ठीक है, अब क्या आप यहाँ पे नेट फोर्स लिखो, तो देखो आपको ये तो समझ में पहले ही आ गया कि नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा ना, क्यों, क्योंकि लेफ्ट की डायरेक्शन में एफ टू बड़ा है और एफ वन क्या है आपका बेसिकली छोटा है, तो दोनों को ऐड करोगे अपोजिट डायरेक्शन है, तो टोटल वैल्यू जो फोर्स का बचेगा दैट विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, तो फिलहाल क्या है सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं और डायरेक्शन फिर एडजस्ट कर लेंगे, तो मैग्नीट्यूड में क्या होगा सबसे बड़ा फोर्स किसका है आपका एफ टू का है, तो पहले आप एफ टू का वैल्यू लिखो, तो बड़े में छोटा घटाओगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा आपको, तो के एंड चार्ज विच इज कैपिटल क्यू, देन वी हैव स्मॉल क्यू और उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एंड इसमें आपको सब्ट्रैक्ट करना है छोटे वाले फोर्स का वैल्यू विच इज अगेन ऑफ सिमिलर फॉर्मैट, बस डिस्टेंस क्या उसका बढ़ाएगा, ठीक है, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, ठीक है, और डायरेक्शन वाइज अगर आपको लिखना है तो आपको पता है डायरेक्शन नेट फोर्स का लेफ्ट की डायरेक्शन में आएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पर माइनस आई कैप लिख दिया, ठीक है, तो ये पार्ट क्या हमारा मैग्नीट्यूड है फर्स्ट पार्ट, एंड सेकंड पार्ट क्या हमारा डायरेक्शन बता रहे हैं, एंड डायरेक्शन हम लोग पहले से ही क्लियर, अब यहाँ पे क्या करना है देखो समझने की कोशिश करो जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ठीक है, एसएचएम के लिए क्या है आपका फोर्स जब तक इस फॉर्म में नहीं आएगा ना, सम कॉन्स्टेंट इंटू एक्स, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट जितने से आपने पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, जब तक आपका उस फॉर्म में नहीं आएगा आप एक्चुअली इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या है आपको सिंप्लीफाई करके उस तरह के पैटर्न में लाने का ट्राई करना, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जो चीजें कॉमन आ सकती है उनको बाहर ले रहा हूँ, सो आई कैन राइट इट लाइक दिस, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन है वो ध्यान से देखना, बिकॉज ये अप्रोच जो है सिंप्लीफाई करने का आगे भी हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली स्पेशली डायपोल टॉपिक में यूज करेंगे, ठीक है, अब क्या आप एलसीएम ले लो, यहाँ पर एलसीएम लेने पर डिनोमिनेटर में यू विल हैव ए माइनस एक्स का स्क्वायर, ए प्लस एक्स का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आपके पास हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का वैल्यू, ठीक, और ये माइनस आई कैप ये सब तो बस ऐसे ही डायरेक्शन के लिए मैंने साइड में रखा है, डायरेक्शन हम लोग पहले से श्योर है सो उसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाएंगे, देयरफॉर यहाँ से आपका नेट फोर्स आ रहा है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ये सारी चीजें कॉन्स्टेंट है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, देखो न्यूमरेटर अगर आप ब्रेक करोगे ना तो न्यूमरेटर ब्रेक करने पे आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस टू एक्स, ठीक है, एंड सेकेंड पार्ट का ब्रेक करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यूज है ना, ये आ जाएगा आपके पास, डिनोमिनेटर को थोड़े ध्यान से देखो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस, आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं प्लस टू एक्स, हाँ यहाँ पर प्लस आ जाएगा, सॉरी थैंक्स, ठीक है, अब यहाँ पर आप ये नोटिस करना क्वेश्चन ने कुछ बोला था, क्वेश्चन अब यहाँ से अप्रॉक्सिमेशन लेना पड़ेगा बिकॉज ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या थोड़ा सा अप्रॉक्सिमेशन लेना पड़ेगा, ठीक है, अप्रॉक्सिमेशन के लिए क्वेश्चन देखो पढ़ो, क्वेश्चन में उन लोगों ने बोला था
फॉर, यहां पे देखो मैं हाईलाइट कर दूं, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ए, मतलब बेसिकली जो आपका एक्स है वो ए के कंपेरिजन में बहुत छोटा है. एंड अगर आपका एक्स ए के कंपेरिजन में बहुत छोटा है तो जैसे इसे इमेजिन करो, किसी के पास 10 मिलियन रुपीज है, रुपीज में फील नहीं आ रहा, डॉलर कर लेते, 10 मिलियन डॉलर है, एंड उसमें आप $1 ऐड कर दो या फिर $1 सब्ट्रैक्ट करो, इट डजंट मैटर राइट, इट्स मोर और लेस सेम. सो व्हाट वी कैन डू, देयरफॉर वी कैन राइट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है आपके पास, आप क्या एक्स स्क्वायर के वेरी स्मॉल वैल्यू, ए स्क्वायर क्या काफी बड़ा वैल्यू आएगा बिकॉज एक्स ए के कंपेरिजन में काफी छोटा है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं लिखे, फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी आप इसको सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हो. इफ दैट इज द केस देन आपका जो नेट फोर्स है, ध्यान से देखना चाहिए, नेट फोर्स जो है यहाँ पर वो आ जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, न्यूमरेटर में हमारे पास 4ax आएगा, उसमें भी क्या है मैं x को छोड़ के 4a ये भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, और डिनोमेटर में हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को आप ए स्क्वायर लिखोगे तो ए स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, और बचेगा क्या फिर हमारे पास x, और इधर हो गया माइनस i कैप, ठीक है, इसको थोड़ा और बेटर तरीके से लिख लेते हैं, थोड़ा इस तरह से और सजा के लिख लेते हैं, तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, यू कैन राइट के 4 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ए क्यू, ठीक है, और माइनस भी मैं आगे लगा दे रहा हूँ एक्स आई कैप. तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, जो कांस्टेंट टर्म है ना, फोर्स के हमारा डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ, लेकिन ये कब आया, जब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लगाया, तो आप ऐसे मत सोचना कि मैं 1 मीटर चार्ज पार्टिकल को अगर मैं मीन पोजिशन से खींच के सेपरेट कर देता हूँ या फिर पुश कर देता हूँ तो क्या ये SHM करेगा, नो सर, तब ये SHM नहीं करेगा, ठीक है, SHM कब करेगा, जब आपने मिडिल वाले चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा 1 मिलीमीटर से आपने स्लाइड किया, 1 मिलीमीटर से आपने पुश किया, 1 मिलीमीटर से उसका पोजीशन शिफ्ट किया, ओनली देन आप अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हो राइट, बड़े बड़े वैल्यूज में नहीं लगा सकते, बड़े बड़े वैल्यूज में SHM नहीं कर रहा होगा, ऑसिलेशन कर रहा होगा डेफिनेटली, बट SHM नहीं कर रहा होगा. तो यहाँ पे SHM के लिए क्या है, ये तो प्रूफ हो गया, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये पूरा कचरा जो आ रहा है ये पूरा कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स हमारा आ रहा है सम कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाय एक्स विच इज डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब क्या है, आप टाइम पीरियड आराम से लिख सकते हो, टाइम पीरियड अगर तुम्हें याद हो ऑसिलेशन का, अगर आपके पास फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स का फॉर्म है देन टाइम पीरियड का फॉर्मूला जाता है, इसको याद आ रहा है, बताओ फटाफट, 2π अंडर रूट कितना होता है, टाइम बाय के, सॉरी m बाय के होता है, हाँ m बाय के होता है, ठीक है, तो अब आपको ये लिख देना है कि देयर देयर वैल्यू ऑफ k इज बेसिकली कांस्टेंट, तो फोर्स वाला एक्सप्रेशन में x को छोड़ के जितना भी बच रहा एक्सप्रेशन है वो सारा का सारा आपके पास कांस्टेंट है, तो आपके पास टाइम पीरियड हो जाएगा 2π स्क्वायर रूट, मास तो शायद चार्ज पार्टिकल का हम लोगों ने कुछ अज्यूम नहीं किया था, सो मिडिल वाले चार्ज पार्टिकल का मास m बोल देते हैं, m डिवाइड बाय ये पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये जो पूरा कांस्टेंट है आपको वो डिनोमिनेटर में डालना पड़ेगा, विच इज मैं इसको एक स्टेप लिख ही देता हूँ, 4k कैपिटल q स्मॉल q ओवर a q, ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, बट यू गॉट माई पॉइंट राइट, तो ये आपका टाइम पीरियड हो गया ऑसिलेशन का. तो गिवन जितने जितना वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट का पार्टिकल का जो आपने शिफ्ट किया है, इफ इज वेरी स्मॉल बहुत छोटा है अगर, एंड देन आप इसमें ऑसिलेशन का बिहेवियर देखना चाह रहे हो तो फिर SHM आएगा, बड़े डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM आएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो ये आप ध्यान में रखना, छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM आ रहा है, और SHM का वैल्यू क्या होगा, कैसे आएगा SHM, वो मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर लिया हम लोगों ने, एंड टाइम पीरियड का भी हम लोगों ने एक्सप्रेशन यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज फटाफट इसको नोट करो. किसी को गड़बड़ लग रहा है, लेट मी नो. सो नोट करो,
ओके सो मेजोरिटी बच्चों ने नोट कर लिया, दैट्स गुड। यहाँ पर आप नोटिस करोगे क्वेश्चन में उन लोगों ने बोल दिया था ना कि मिडिल में जो आप चार्ज रख रहे हैं वो पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा क्यों बोला उन लोगों ने? क्यों बोल रहे हैं कि मिडिल में जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है? क्या नेगेटिव चार्ज अगर हम लोग सेंटर पे रखेंगे तो क्या ये एसएचएम करेगा, ऑसिलेशन करेगा? लेट मी नो, करेगा क्या एसएचएम बताओ? फॉरगेट व्हाट एसएचएम, क्या ये ऑसिलेशन होगा? अगर मैं सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखता हूँ एंड देन मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ तो क्या वो वापस आएगा? क्या उस पर टोटल फोर्स लगेगा ऐसा कि उसको जिस डायरेक्शन में आपने शिफ्ट किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है? इज इट पॉसिबल? बताओ फटाफट चैट पे, यू कैन रिप्लाई। नो, ये सब का रिप्लाई नो। ओके दैट्स गुड। समर्थी सिंह नो, निग्रांति सिंह नो। क्या होगा आप नेगेटिव चार्ज अगर मिडिल में रखोगे ना तो जिस साइड में आपने थोड़ा सा शिफ्ट किया है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है एक्चुअली। और आपने जैसे मैंने इसको थोड़ा सा चार्ज को इधर शिफ्ट किया, फोर्स उसको उधर ही लग रहा है तो वो बेचारा उधर ही चला जाएगा ना। यानी आप ऐसा बोल सकते हो, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा कॉन्सेप्ट स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, तो वो आपका केस हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। मतलब अगर सेंटर पे नेगेटिव चार्ज है तो बैलेंस्ड है समहाउ, बिकॉज लेफ्ट वाला जो फोर्स लग रहा है एंड राइट वाला जो फोर्स लग रहा है इक्वल है। बट द मोमेंट आपने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कर दिया, फोर्स का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा एंड एट द सेम टाइम फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में आपने पार्टिकल को शिफ्ट किया है, तो बेचारा पार्टिकल उधर ही चला जाएगा ना, वो वापस आने के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आई गेस सबने नोट कर लिया। लेट्स जंप टू नेक्स्ट पार्ट। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज रखा है उन लोगों ने बट डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का वो एक डिफरेंट डायरेक्शन, अदरवाइज फिर ऑसिलेशन नहीं हो पाएगा ना। सो लेट्स जंप टू नेक्स्ट पेज। डायग्राम बना लेते हैं और इसमें एक थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है, एक मैंने रेफरेंस के बना लिया। तो लेट्स से यहां पर आपके पास जो चार्ज है वो कैपिटल क्यू है, यहां पर जो आपके पास है चार्ज कैपिटल क्यू है, मिडिल में आपने चार्ज स्मॉल क्यू रखा था, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्वेश्चन में बोल रखा है। क्यों नेगेटिव नहीं होगा? अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? अगेन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस आएगा, बिकॉज इस केस में उल्टा है ना, प्रीवियस वाले में डिफरेंट था, इस केस में क्या आपका बिल्कुल उल्टा है, अपोजिट है। यहां पर क्या हो रहा है, आपको परपेंडिकुलर टू एक्सिस मूव करा, ठीक है, और परपेंडिकुलर एक्सिस मूव कराने का मतलब क्या हो, आप बेसिकली, हालांकि ये देखो मैं छोटा डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूँ, ठीक है, बट क्या छोटा डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं बनाऊंगा तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ड्रॉ फोर्सेस। तो मैं क्या एक्चुअली बड़ा डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा हूँ, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि फिर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले पाऊंगा, इट विल बी रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू शो की एसएचएम है, और अगर एसएचएम नहीं है तो फिर हमारे पास कोई टाइम पीरियड निकालने का प्लस टू लेवल पे कोई फॉर्मूला पहले से बना के रखा हुआ नहीं है लोगों ने, राइट। सो हमारा चार्ज क्या है, शिफ्ट होकर यहाँ चला, इस डायरेक्शन में लोगों ने चार्ज को शिफ्ट कर दिया। ठीक, अगर आप शिफ्ट करते हो फोर्सेस क्या लगेंगे उसको ध्यान से देखो। येलो लाइन जो है वो रेफरेंस लाइन है, तो लेफ्ट वाला जो है चार्ज नंबर वन एंड राइट वाला चार्ज नंबर टू, चार्ज वन नंबर वन क्या इसको इधर पुश करेगा? नो 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 सॉरी, पुश नहीं करेगा, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, राइट। सो चार्ज नंबर वन क्या है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा है ना, और चार्ज नंबर टू क्या आपका, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है सभी को? इसको लेट्स से एफ वन बोल देते हैं, फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज वन, एंड दिस इज फोर्स बिकॉज ऑफ चार्ज टू है ना, ऑन टेस्ट चार्ज जो सेंटर पे पहले था उसको मैंने ऊपर शिफ्ट किया। ठीक है, कितने डिस्टेंस से मैंने इसको शिफ्ट किया, लेट्स से डिस्टेंस एक्स से मैंने इसको शिफ्ट किया है ना, और बिकॉज डिजाइन में सिमेट्री है तो ए लेंथ इधर होगा और ए राइट साइड में लेंथ आएगा, दोनों साइड आपका ए इक्वल लेंथ आएगा। ठीक है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट लेंथ, तो ये फंडा क्लियर हो गया अपना। अब इस एंगल को आप कुछ लिख लो ना, ये एंगल मान लो थीटा है, तो डेफिनेटली डिजाइन जैसा लेफ्ट में वैसा राइट में, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो आपने क्या नोटिस किया यहाँ पे, इफ यू ब्रेक एफ वन एंड एफ टू फोर्सेस इन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो यू विल गेट टू फोर्सेस। एक तो क्या है, एफ वन का एक इधर कॉम्पोनेंट आएगा विच विल बी एफ वन साइन थीटा, बच्चों ध्यान से देखिए, और एफ टू का एक राइट वर्ड कॉम्पोनेंट आएगा, इट विल बी एफ टू साइन थीटा, लेकिन एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड इक्वल है। कैसे, लेट मी राइट इट, दिस वॉज अवर सेकंड पार्ट, राइट। एफ वन और एफ टू का मैग्नीट्यूड इक्वल है बिकॉज दोनों के वैल्यूज में आपको लिखना पड़ेगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय उनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से डिस्टेंस देखोगे
तो आपको ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा विच इज हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू है वो इतना आता है तो रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करना है ना. तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं थी एक्चुअली, स्क्वायर रूट हटा के लिखते थे हम, थोड़ा इजी पड़ जाता बट ठीक है सॉरी. हाँ तो ये आपका फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल है मैग्नीट्यूड. इसका मतलब क्या होगा, ये पार्ट जो है ना आपका कैंसल हो जाएगा. तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका कैंसल हो जाएगा. तो फिर बचेंगे कौन से फोर्सेस, तो फोर्सेस बचेंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों के कॉम्पोनेंट आ रहे हैं. ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कॉम्पोनेंट आ रहा है सिर्फ वो बच जाएगा. तो मैं नेट फोर्स का वैल्यू लिख रहा हूँ और हमें पता है नेट फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन. वाई, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन के ही जो दोनों फोर्सेस के कॉम्पोनेंट वो बच रहे हैं हॉरिजॉन्टल वाला, तो कैंसिल आउट हो गया राइट. सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स है हमारे पास, आप उसका पहले मैग्नीट्यूड लिखो. तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या आप डबल कर लो, क्योंकि दो फोर्सेस है, डबल कर लो आप, टू से मल्टीप्लाई करके लिख लो. और एक फोर्स का वैल्यू हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. ये तो वैल्यू हो गया आपका एक सिंगल फोर्स का, है ना. बट आपको कॉम्पोनेंट लेना था, विच मीन्स आपको कॉस थीटा भी लिखना पड़ेगा. ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये पार्ट क्या आपका मैग्नीट्यूड है. लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात करते हैं. डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो अगर वेक्टर फॉर्म में किसी को लिखना है, शो ऑफ करना है, तो माइनस जे कैप आप लगा सकते हैं. ठीक है, हालांकि रिक्वायरमेंट नहीं था बट ठीक है, जिसको दिखाना है थोड़ा सा तो उसमें माइनस जे कैप लगा के काम कर सकते. अब यहाँ पे क्या करो, आप कॉस थीटा का भी वैल्यू डालो. तो यू विल राइट टी टू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. कॉस थीटा का वैल्यू देखो, अगर इस ट्रायंगल में लेफ्ट किसी भी ट्रायंगल को पिक कर लो, लेफ्ट मोस्ट वाला ट्रायंगल ही देख लो, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज विच इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ठीक है, यानी इन शॉर्ट आपने वैल्यू लिखा है टू टाइम्स कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री ओवर टू मल्टीप्लाइड बाय एक्स. ऑब्वियसली माइनस जे कैप हर जगह आ रहा था, तो माइनस जे कैप भी आपको डाल दें. ठीक है, अब अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं. फोर्स तो निकाली हम लोगों ने, लेकिन इस फोर्स से क्या एस एच एम का रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे. तो लेट्स टॉक अबाउट अप्रोक्सीमेशन. अप्रोक्सीमेशन में क्या था, उन लोगों ने बोलकर रखा है कि जो एक्स का वैल्यू बहुत छोटा है, एक्चुअली जैसा मेरा डायग्राम बना है वैसा बिल्कुल भी नहीं है. कैसा है डायग्राम, मैं नीचे आपको एक छोटा सा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ. डायग्राम रियलिटी में ऐसा है, इतना सा आपने उसको ऊपर उठाया, दैट्स इट. जो नेगेटिव क्यू चार्ज है ना, सिर्फ इतना सा आपने वर्टिकल डायरेक्शन में आप उसको लेकर गए, और ये दोनों पुराने वाले चार्जेस हैं कैपिटल क्यू वाले. तो ये एक्चुअल डायग्राम है, तभी आप अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहे. लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया उसमें काफी हाइट मैंने शो किया, क्यों, क्योंकि डायग्राम में फिर डिटेल्स नहीं हम लोग यूज कर पाए, राइट. दैट इज द ओनली रीजन. तो अगर हम लोग एक्स को बहुत छोटा ए से कंपेयर करते हैं, तो ए स्क्वायर काफी बड़ा हो जाएगा, तो उसमें एक्स स्क्वायर एड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आप सिंपली ए स्क्वायर लिख सकते हो. देयरफॉर नेट फोर्स आप लिख पाओगे टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा ए क्यूब. वाई, बिकॉज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डालोगे, ए स्क्वायर रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, तो बेसिकली वो ए क्यूब देगा आपको. तो मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, ठीक है. माइनस साइन में आगे ले ले रहा हूँ, एक्स को मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है, और जे कैप राइट साइड में लिख दिया. तो यहां से क्या समझ में आया हमें, हमारा जो फोर्स है नेगेटिव साइन डिस्प्लेसमेंट के, मतलब जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने डिस्प्लेस पार्टिकल को मैंने किस डायरेक्शन में शिफ्ट किया, पार्टिकल को हम लोगों ने शिफ्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. पार्टिकल को मैंने कहाँ शिफ्ट किया, ऊपर की डायरेक्शन शिफ्ट किया. तो पार्टिकल को मैंने ऊपर की डायरेक्शन शिफ्ट किया, फोर्स नीचे की डायरेक्शन लग रहा है, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम. बिकॉज आप पार्टिकल को जबरदस्ती पकड़ के वापस उसके पुराने वाले मीन पोजिशन में आप उसको लेकर आना चाह रहे हो, राइट. तो नाउ वी कैन कंपेयर एंड फाइंड टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने एसएचएम में, शिट नॉट दिस कलर. तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लिखोगे, टू पाई स्क्वायर रूट मास, मास पार्टिकल का कुछ एम बोलूंगा, हालांकि मैंने लिखा नहीं, एम मान लो, डिवाइड बाय ये पूरा कांस्टेंट, ये जो टर्म है ना ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट आप, ठीक है, इसी कांस्टेंट को के बोलते हैं हम लोग ऐसे, ठीक है. ये पूरा कांस्टेंट आप उठाने से डाल दो. सो आई विल जस्ट राइट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर ए क्यू, ठीक है. थोड़ा अगर सजाना है तो सजा सकते हो आप इसको ऐसे लिख सकते हो टू पाई बट इन सब चीजों को ये बेकार की चीजें काम की चीजों पे ध्यान दो. यू गॉट द पॉइंट राइट. आपको अप्रोक्सीमेशन कैसे लेना है मैंने आपको दो जगह पर एक्सप्लेन किया, और ये जो मेथड है अप्रोक्सीमेशन का आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करना पड़ेगा. सो दिस इज वेरी यू नो इम्पॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आप कुछ लर्न करते हो और उसको आप बहुत फ्रीक्वेंटली आगे कमिंग क्वेश्चन में आप उसको यूज करोगे. ठीक
ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट में। किसी कोई डाउट लग रहा है इसमें, कुछ गड़बड़ लग रहा है तो लेट मी नो। कुछ इश्यू है किसी पार्ट में, अगर लग रहा है कि कुछ क्लियर नहीं है सो लेट मी नो, इसको हम लोग रेक्टिफाई करके आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे का मैसेज है, लेट मी चेक। ओके, हाँ अगर नोट कर लिया ना तो एक बार कंफर्म कर दो सो दैट वी अंडरस्टैंड, वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। हाँ आराम से नोट करो, है ना, हरी नहीं करना है, आप समझते हुए नोट करो, अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। ओके, सो सारे बच्चों ने नोट कर लिया है ना, दैट्स गुड।